अगर आपको अपने कॉलेज के लिए या फिर अपने ऑफिस के लिए एक बैग चाहिए, या फिर जब आप ट्रैवल करते हैं तो जब आप अपने होटल पहुंचते हैं वहां अपना सारा सामान रख देते हैं, फिर आप बाहर निकलते हैं अपना एक बैग लेकर जिसमें आपके पानी की बोतल होती है, कैमरा होता है, इक्विपमेंट होता है, आपके गिम्बल होता है, तो उसे कहते हैं डे बैक पैक। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 20 लीटर में ये दो बैग जिसे डे बैक पैक कहते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट है और ये आपके पॉकेट को ब्रेक भी नहीं करेंगे। ये 2000 के अंदर आते हैं, ये केचवा कंपनी के हैं और आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर जो डीकैथलॉन है, जो उनकी डीकैथलॉन शॉप है वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको 1500 के अराउंड मिल जाएगा, ये आपको 1900 के अराउंड मिल जाएगा। तो ये दोनों मेरे पास हैं, मैंने परचेज़ कर रखे हैं। तो इन दोनों के कुछ प्रो और कॉन्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, और नो डाउट दोनों बहुत अच्छे बैग हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले मैंने ये बैग परचेज़ किया था, मैंने इसे एक साल पहले किया था 1600 समथिंग में। इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी हैं जो इसमें नहीं है। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी सबसे अच्छी बात है वो है इसका रेन कवर। इसमें आपको रेन कवर मिलता है, वो यहाँ मिलता है, वो ये रहा, ये रहा इसका रेन कवर। ये सच में गाइस बहुत अच्छा है, 1500-1600 में आपको इतना अच्छा बैग मिल रहा है विद रेन कवर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप एक और चीज़ देखेंगे, लंबाई में जो लेंथ होती है दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, मगर जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो इसकी ज़्यादा है, लेकिन लुक में ज़्यादा अच्छा मुझे बैग ये लगता है। और जो इसकी बात मुझे अच्छी लगती है, आपको अगर पता होगा एक वाटर ब्लैडर बैग आता है जब आप हाइकिंग पे जाते हैं तो वो आप इसमें ना अंदर डाल सकते हैं यहाँ पर, और जो उसका पाइप है ना, फिर वो आपका यहाँ से, लेट मी शो यू वन थिंग, कहाँ चला गया इसका, हाँ ये रहा, इसके थ्रू वो पाइप बाहर आ सकता है। तो जब भी हाइकिंग में जाएंगे आप अपने मुंह में पाइप डालिए, पानी पीजिए आराम से, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, जो इसमें नहीं है। लेकिन मैं इसको ना हाइकिंग पे ले जा चुका हूँ, मैं वैल्यू फ्लावर गया था। इसमें जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये कहा जाता है कि जब आप हाइक करते हैं तो पीठ पूरी पसीने से गीली हो जाती है ना, वो इसमें नहीं होगी क्योंकि इसमें एयर पास होती है। इट्स ऑल बुलशिट भाई, बहुत पसीना आया था मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पसीना नहीं आएगा, पसीना आता है, बहुत आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं है वो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये भी सॉफ्ट है, मगर इसमें आपको ये अलग से दे रखा है, एयर पास कर दे रखा है, लेकिन पसीना आता है। इसमें जो मुझे चीज़ ना पसंद नहीं आई वो है इसका ये हैंडल। एक्चुअली इन्होंने जो बनाया है ना, ये हैंडल के साथ इन्होंने ये पूरा कर रखा है। अब होता है कि जब मैं हाइकिंग में गया था ना, तो हाइकिंग में आपको अपना बैग टाइट रखना पड़ता है, तो मेरे शोल्डर ने बहुत पेन किया आगे, बाद में 2-3 घंटे बाद बहुत पेन किया, जो इसमें नहीं है। इसमें अलग, मुझे ऐसा ही चाहिए था जिसमें आपका ये हैंडल अलग हो और ये हो। इसमें आपका ना शोल्डर में दर्द नहीं होता, लेकिन इसमें मुझे दर्द हुआ। अब सबके अलग अलग होता है, हो सकता है किसी के पास ये बैग हो और उसको ऐसी प्रॉब्लम ना हुई हो, लेकिन मुझे हुई है। इसको मैंने परचेज़ किया है 4-5 महीने पहले 900 समथिंग में। मुझे सच में ये बैग बहुत अच्छा लगा। हाँ, इस पर रेन कवर नहीं है, काश कंपनी इस पर रेन कवर देती, लेकिन फिर भी यार 900-1000 रुपये में क्या चाहिए आपको। सच में अगर आपको कोई बैग ढूंढ रहे हो ना 20 लीटर में और आपका बजट 2000 से कम है, तो ऑफकोर्स यार आप लोग इन दोनों बैग में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी मानेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा भी ये बैग लगा। आप देख सकते हैं पूरे बैग को, और जिस तरह को बताया ना मैंने विड्थ में, इसमें इतनी जगह है और इसमें इतनी जगह है, और जबकि 20 लीटर है दोनों, लेकिन ज़्यादा सामान इसमें आता है, लेकिन लुक वाइज ज़्यादा अच्छा ये लगता है, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। अब आजकल इसको मैं इतना नहीं ले जाता, मगर बैग अच्छा है।
दोनों में आपका लैपटॉप रखने का कंपार्टमेंट दे रखा है। ओके, यहाँ पर आपने बोतल रख सकते हो और यहाँ पर आपने आप कुछ सामान रख सकते हो जो डालना चाहते हो। एक और बात, अगर आप ये बैग परचेस करते हो और रेनी सीज़न है तो अपने साथ आप अम्ब्रेला ज़रूर रखना, क्योंकि इसमें रेन कवर दे नहीं रखा। इसका रेन कवर बहुत अच्छा है। जब मैं वैल्यू फ्लावर ले गया था तो वहाँ बारिश आई थी, तो मैंने इसको पूरा बंद करा था, पानी अंदर नहीं घुसा। मुझे नहीं लगता कि ये इस बैग वाटरप्रूफ तो है, लेकिन ऐसा वाटरप्रूफ नहीं है कि पानी जाए ना। तो अगर आप इसको परचेस करते हैं और बारिश का सीज़न है जो भी चल रहा है, तो अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखना। अदरवाइज़ यार बैग बहुत अच्छा है, ये मुझे बैग बहुत अच्छा लगा। ये इसमें मुझे बस ये चीज़ सबसे बेकार लगी, ये इसने मेरा शोल्डर बहुत दर्द किया है बहुत, तो इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। अदरवाइज़ बैग, ये बैग भी अच्छा है। और अगर आप पूछेंगे वेट, तो वेट दोनों का सेम तो नहीं है, ये हल्का हैवी है। अगर आप परचेज आप लोगों ने कर रखा है बैग, तो ऑफ कोर्स मुझे बताना कि आपके थॉट क्या है। और अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप जाइए डिकैथलॉन और दोनों को चेक कीजिए, और आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें जाइए। ओके गाइस, आपका धन्यवाद इस वीडियो देखने का। अगली बार मिलता हूँ, टेक केयर, बाय।